जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेरे अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली हमारा वीडियो होने वाला आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर आरपीएफ एसआई का, और आपको सभी को पता आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी। इसके नोटिफिकेशन के बारे में काफ़ी अपडेट आ रही है जल्दी जल्दी, और काफ़ी न्यूज़पेपर में भी अभी वायरल चल रही है वैकेंसी, और बहुत जल्दी वैकेंसी होने वाली, क्योंकि ये पिछले साल कोरोना की वजह से पेंडिंग में रह गई है, तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसकी वही बंदा तैयारी करे जिसका फिजिकल अच्छा हो या वो अपने फिजिकल को अच्छा कर ले, क्योंकि इसका फिजिकल क्राइटेरिया काफ़ी आसान नहीं है। एसएससी जीडी के और आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल में काफ़ी अंतर है, कुछ इसमें छूट दी गई है तो कहीं इसका हाइट भी, हाँ छूट भी हाइट में कई प्रकार की इसमें छूट है एसएससी जीडी की बजाय, इसमें अच्छा फिजिकल क्राइटेरिया लेकिन कई जगह इसमें टफ भी है, तो इसलिए इसके फिजिकल की पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। आप अच्छे से बने रहिए वीडियो को एंड तक, ताकि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो क्या क्या है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो सके, ताकि जब भी इसकी वैकेंसी आए तो आप पहले से ही तैयार हो इसके फिजिकल को पास करने के लिए, आप में वो क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ दोस्तों, और साथ ही एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें दोस्तों तो एसएससी जीडी के लिए शानदार बुक है ये अग्रवाल पब्लिकेशन की, शानदार बुक है। एसएसजीडी के प्रैक्टिस सेट है, इसमें ओल्ड पेपर है, उनका हल दिया गया है, अच्छे से समझाया गया, बहुत ही शानदार तरीके से डिस्क्रिप्शन भी दी गई है जीके के क्वेश्चनों की, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट भी पिन कर रखा है, तो जिसको भी एसएसजीडी के मॉडल पेपर की या बुक चाहिए तो ये शानदार बुक है, बेस्ट सेलर बुक भी हो रखी है अमेजन पर, आप जाके आज ही खरीद सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की, तो सबसे पहले हम बात करें अगर फिजिकल की, तो सबसे पहले आती है हाइट। हाइट आरपीएफ कांस्टेबल में 165 सेमी चाहिए, जबकि एसएससी जीडी में आप सभी को पता कितनी चाहिए 170, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में आपको हाइट में छूट मिल जाती है। 165 सेमी अगर आपकी हाइट है तो भी आपका काम चल जाएगा, 165 सेमी हाइट लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 157 सेमी हाइट। उसके बाद में आते हैं हम दौड़ पर, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 मिनट के समय में, साथ में 14 फीट लंबा लॉन्ग जंप और 4 फीट ऊंचा हाइट जंप यानी हाई जंप आपको करना पड़ेगा इसके फिजिकल को पास करने के लिए लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड का समय, लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड का ही समय दिया जाता है, साथ में 3 फीट अप जंप और 9 फीट लॉन्ग जंप, यानी 3 फीट हाई जंप और 9 फीट लॉन्ग जंप लड़कियों को ही इसके फिजिकल में पास करना पड़ता है। साथ में आपका चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है 80 से 85 लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं होता, वेट होता है, कम से कम मिनिमम आपके अंदर 40 kg वेट होना चाहिए लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर मिनिमम यानी कम से कम 45 kg वेट होना ही चाहिए। अब अगर बात करें इसकी हाइट की, एक बार थोड़ा सा पॉइंट एक और बता देता हूँ, एससी एसटी के बच्चों को हाइट में छूट दी जाती है, साथ ही कई ऐसे स्टेट हैं जैसे मेघालय मणिपुर ग्वालियर, तो उधर हाइट में छूट दी जाती है, तो उनके लिए हाइट 162 सेमी, लड़कियों के लिए 152 सेमी हाइट रखी गई है। तो ये तो वह कांस्टेबल का जो क्राइटेरिया, पूरा का पूरा कांस्टेबल का क्राइटेरिया फिजिकल का ये रहता है। इसके अलावा एसआई का जो कांस्टेबल एसआई, पहले मेल का बता देता हूँ, तो लड़कों के लिए एसआई के लिए जो इसका फिजिकल का क्राइटेरिया था 1600 मीटर की सेम रनिंग, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है आपको, 6 मिनट 30 सेकंड मिल जाता है। लॉन्ग जंप इसमें आपको 12 फीट है, साथ में हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। दोस्तों एसआई का जो फिजिकल है वो कांस्टेबल की बजाय काफ़ी डाउन है, क्योंकि इसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है, और इसका जो पदनाम है वो भी कांस्टेबल से बड़ा है, लेकिन इसका फिजिकल डाउन किया गया है। ठीक है, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग नहीं होती, 800 मीटर की रनिंग होती है, 4 मिनट का समय दिया जाता है, लड़कियों के लिए सेम 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट अप जंप ही है, चेस्ट का मेजरमेंट सेम है, वेट का मेजरमेंट सेम है। अब बात करते हैं इसकी एज की, तो जनरल के लिए इसकी एज 18 से 25 साल के साथ में ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल जाती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी जो एससी एसटी का बच्चा है वो 18 से अगर 28 साल के बीच में तो भी वो इस भर्ती में देख सकता है, इस भर्ती में जा सकता है। तो ये इसके कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है जो आपको नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना फिजिकल आपको पार करना ही पड़ेगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आप सभी को पता है, कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी जल्द आ रही, इसीलिए मैं आपको फिजिकल क्राइटेरिया बता रहा हूँ ताकि आपको इसका नॉलेज रहे। दोस्तों बात करें मेडिकल की,
तो इसका सेम मेडिकल आपका SSC GD और SSC GD कांस्टेबल या CPSI का जो मेडिकल का तरीका होता है सेम उसी प्रकार से पूरा का पूरा मेडिकल होता है। मेडिकल में मतलब आर्मी के लेवल से थोड़ा सा कम और SSC GD के लेवल का सेम होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेडिकल का क्या लेवल होता है, आर्मी का अलग बता रहे हो आप, SSC GD का अलग और RPF कांस्टेबल का अलग होता है। दोस्तों बिल्कुल लेवल होता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। अगर आर्मी में आप जाते हो जगह ये इसका भी पॉइंट मिल जाएगा, या दांत एक्स्ट्रा है थोड़ा सा उसका भी पॉइंट मिल जाएगा, अगर उंगली कहीं से कटी हुई है तो भी इसका भी पॉइंट मिल जाएगा, अगर आपके शरीर पे कोई धब्बा है तो उसका भी पॉइंट मिल जाएगा, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन SSC GD और RPF कॉन्स्टेबल या SI CPSI इनके मेडिकल में क्या होता है, इस प्रकार के पॉइंट नहीं मिल जाते, किसी गहरी या बड़ी बीमारी के कारण ही मेडिकल में पॉइंट दिए जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आर्मी के मेडिकल से थोड़ा सा कम होता है इसका लेवल, और SSC GD के मेडिकल के लेवल का होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको भी इतनी फिजिकल की आपकी तैयारी हो जानी चाहिए जब तक इसके फॉर्म में अप्लाई हो उससे पहले पहले। जय हिंद।